कराची में अस्पताल की संगीन गफलत से जांबहक निशवा के वालिद का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। वजीर आला की हिदायत पर गुलिस्तानी जौहर में निजी अस्पताल का ओपीडी और पीआर डिपार्टमेंट सील कर दिया गया। आईसीयू और सीसीयू में भी मरीजों का इलाज जारी रहेगा। अस्पताल के बाहर सूरत हाल कशीदा, शहरियों के अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारे, अस्पताल अमले की जानिब से मुजाहमत। वजीर आजम ने बिलावल को साहिबा क्यों कहा। सिंध असेंबली में जियाले आग बगोला हो गए। पीटीआई रुकन सईद आफरीदी की तकरीर के दौरान हंगामा आराई, जियाले चढ़ दौड़े, वुजरा ने बीच बचाव कराया। बिलावल भुट्टो ने भी ट्विटर पर महाज गर्म कर दिया। हैशटैग पीएम सिलेक्ट के साथ तंजिया ट्वीट लिखा, बड़ी सीट पर छोटे लोग जा बैठे हैं। क्या तहरीके इंसाफ पंजाब में बुजदार हटाओ और बुजदार बचाओ ग्रुप्स में बट गई। गवर्नर पंजाब शेख रशीद और चौधरी परवेज इलाही उस्मान बुजदार की हिमायत में बोल पड़े। जहांगीर तरीन नए वजीर आला की तलाश के लिए मुतहर्रिक। लाहौर में हसनैन बहादुर दरेशक और मियां असलम इकबाल समेत दीगर बुजरा के लिए इंटरव्यूज कर लिए। असलम इकबाल का जहांगीर तरीन से मुलाकात का एतराफ, मगर वजीर आला की तलाश के मिशन की तरदीद कर दी। जाली अकाउंट्स केस में जाली ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स बनाने के इल्जाम में कराची से गिरफ्तार डॉक्टर डिनशा रावलपिंडी ब्यूरो मुंतकिल, कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की जमानत मंजूर, अदालत ने नैब अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर टैक्स बहाल कर दिया। अब 100 रुपए के कार्ड पर 100 रुपए का बैलेंस नहीं मिलेगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अदालती दायरा अख्तियार का केस जीत गईं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पानी और फोन से बात करने पर तो टैक्स लग चुका, अब हवा पर टैक्स लगना बाकी है।